तो हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि सब बढ़िया होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो गाइस, आलिया भट्ट, रणवीर सिंह, करण जौहर की रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, डे नंबर चल रहा है आज 5, फर्स्ट ट्यूजडे है। कितना प्रश्न करती हुई नजर आ रही है, शोज काउंट, ओ कमेंसी, क्या शोज यस्टरडे के मुकाबले आज इंक्रीज हुए हैं फिर से या फिर नहीं? एंड साथ में मंडे की ऑफिशियली फिगर है वो कितनी निकल के सामने आई है, क्या इसने मंडे टेस्ट पास किया नहीं किया, लाइफ टाइम कितना कर सकती है, बात करते हैं फुल डिटेल्स के साथ। उससे पहले सबसे छोटी दुकान चैनल सब्सक्राइब क्या कर रहे हो यार, जल्दी से कर लो सब्सक्राइब इसी तरह अपडेटेड वीडियोस के लिए। तो भाई, पहले स्टार्टिंग से लग रहा था कि ये मूवी नहीं चलेगी, जिस तरह नंबर्स निकल के सामने आए इसके फर्स्ट वीकेंड में, बट करण जौहर ने ऐसा करके दिखाया। एंड नेक्स्ट फिर मंडे को लगा कि हाँ ये तो पिट जाएगी, वीकेंड में हमने बड़ी बड़ी मूवीज देखा कि धमाका करती हैं, बट वर्किंग डेज जैसे स्टार्ट हो जाता है तो फिर वो गिर जाती है। बट गाइस, यहाँ पे करण बाबू ने अच्छा खासा भाई ताकत लगाई एंड नंबर्स फिर भी ज़्यादा नहीं बोलूँगा अच्छे आए, बट फिर भी मीडियम आए। तो फाइनली गाइस, मंडे के सबसे पहले डे वाइज जान लेते हैं, उसके बाद मंडे तक आते हैं। डे नंबर 1 11.10, डे नंबर 2 16.05, डे नंबर 3 यानी संडे 18.75 करोड़। भाई डे नंबर 4 यानी कि बात करूँ मैं यस्टरडे की, वो फिगर आई है इसकी 7.02 करोड़, 63% ड्रॉप देखने को मिला है संडे के मुकाबले मंडे को। एंड बाकी देखे जाए तो गाइस, इसका नेट होता है चार दिनों का 52.92 करोड़, ग्रॉस बनता है इसका 62.50। एंड ओवरसीज की बात करूँ गाइस, तो ओवरसीज की फिलहाल के लिए अभी मंडे की रिपोर्ट है वो नहीं आई है, एंड इसका 35 करोड़ के आसपास है फिलहाल ओवरसीज की रिपोर्ट। एंड मैं सभी का ऐड करूँ गाइस, तो ये होता है लगभग गाइस 95-96 करोड़ के आसपास होता है फिलहाल। देखो ओवरसीज की रिपोर्ट 3-4 करोड़ तो इजीली आ ही जाएगा, यानी 100 करोड़ ग्रॉस वर्ल्ड वाइड में ये चार दिनों में गाइज। यहाँ पे रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का क्वेश्चन है वो कर चुकी है, दिस इज ह्यूज नंबर्स। ऐसा नहीं सोचा था जब ये मूवी सिनेमाघरों में नहीं आई थी, एंड साथ में जब इसकी एडवांस बुकिंग भी चल रही थी तब भी नहीं सोचा था कि इतना जल्दी 100 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस, खासकर जिस तरह इसको ओवरसीज में रिस्पॉन्स मिल रहा है, मैं तो अभी भी शॉकिंग हूँ यार, मतलब अभी भी देखकर ट्रस्ट नहीं होता यार इस तरह इसको रिस्पॉन्स कैसे मिल सकता है। बट रॉकी है भाई, यहाँ पे रंधवा है, रंधवा यानी पंजाब फैमिली भाई। तो गाइस, ये रहा इसका अब तक चार दिनों की रिपोर्ट। अब बात करते हैं आज की डे नंबर 5 यानी कि बात करते हैं गाइस ट्यूजडे की। सबसे पहले शोज कितने हैं इसके पास, 8732 कल थे, आज हैं 8802 शोज। यस्टरडे में अपने आज शोज है फिर से इंक्रीज हुए हैं, आज इसको फिर से शोज है गाइस वो दिए गए हैं। ऑक्युपेंसी कल मानने की 9 थी जो कि आज 10.5 है, कल 9 थी आज 10.5, जंप के देखने को मिला है। कल 15 थी आफ्टरनून की जो कि आज 16 है, यहाँ पे भी जंप, क्या बोलती है पब्लिक इस बार। करण बाबू फिर से जो सत्य प्रेम की कथा ने करके दिखाया, जो बोला करके बोला यानी कि अजय देवगन करके दिखाते हैं, जरा हटके जरा बचके मूवी ने करके दिखाया था कि वर्किंग डेज में पिछले दिन के मुकाबले अगले दिन ज्यादा क्वेश्चन करना, क्या करण बाबू ऐसा करते हुए नजर आ रहे हैं? थोड़ा सिटी वाइज नजर डाल लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। मुंबई 779 कल थे, आज 780, कल 14 थी, आज भी वो 14 ही ऑक्युपेंसी है, बट आज शोज इंक्रीज हुआ इसका मतलब जंप। एनसीआर 918 में कल 12.5, आज 940 शोज भी इंक्रीज हुए हैं, आज 14% ऑक्युपेंसी भी है, कल 12.5 थी, यहाँ पे भी जंप। पुणे 251 में 18, आई 242 में 21, यहाँ पे भी जंप। बेंगलोर 218 में 17, आई 217 में 17, यार यहाँ पे थोड़ा सा गिरा है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे हैदराबाद हो गया नहीं हो गया, अभी 192 में 15, आई 193 में 17, यहाँ पे भी जंप। कोलकाता 217 में 10, आई 268 में 11, देखो भाई यहाँ पे शोज गिरे हैं इसका मतलब आप सिमिलर ले लो। अहमदाबाद 378 में 8.5, आई 402 में 9, ओहो यहाँ पे शोज भी इंक्रीज हुए हैं। ऑक्युपेंसी भी कल के मुकाबले आज बेटर परफॉर्म कर रही है, तो यहाँ पे जंप। चेन्नई 53 में 24, आई 53 में 23, यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉप। सूरत 213 में 7, आई 223 में 7, यहाँ पे शोज इंक्रीज हुए हैं, ऑक्युपेंसी सेम है, इसका मतलब थोड़ा सा जंप देखने को मिलेगा। जयपुर 140 में 4, आई 144 में 13, ये क्या हो गया भाई, यहाँ पे तो दो गुना जंप। चंडीगढ़ 105 में 12, आई 105 में 11 है। तो फाइनली गाइस, ये रही इसकी सिटी वाइज ऑक्युपेंसी शोज का, और मैंने आप सभी को बता दिया। तो फाइनली कितना कर सकती है आज यस्टरडे की फिगर आई 7.02 करोड़। तो गाइस यस्टरडे अभी जिस तरह इसकी ऑक्युपेंसी निकल के सामने आई थिएटर की एंड शोज ग्राउंड जो सिटी वाइज नंबर से निकल के सामने आए, तो गाइस मुझे अभी लग रहा है कि मंडे को अपने थोड़ा सा ये जंप आई लेती हुई नजर आ रही है, यानी कल 7.02 आई थी, तो आज मुझे दिख रहा है कि 7.05 भी आ सकती है, 7 भी आ सकती है, 8 भी आ सकती है, यानी 1 से लेकर 2 या 3%
मंडे के मुकाबले आज ट्यूजडे को जंप है गाइस वो लेती हुई नजर आ रही है, और ऐसा हम काफ़ी कम देख रहे हैं, मैक्सिमम नहीं बोल सकते इसको, हम ऐसा चीज़ें मिनिमम देखते हैं कि मूवी वर्किंग डेज में मंडे के मुकाबले या ट्यूजडे या फिर ट्यूजडे के मुकाबले वेडनेसडे हो गया, थर्सडे हो गया, फ्राइडे हो गया कि जंप लेती हुई नजर आए। वट यहाँ पे रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, यानी कि यहाँ पे आलिया एंड रॉकी, यानी कि रानी एंड रॉकी की जो जोड़ी है गाइस वो जंप लेती हुई यस्ट अभी नजर आ रही है। देखो गाइस अभी हमने वैसे भी हम जो बोलते हैं भाई नज़र लग जाती है, जैसे कि मैंने संडे को बोला था कि 75% जो ऑक्युपेंसी टच कर सकती है, जो कि ऐसा हुआ नहीं, लगभग 40 को गई, आधा चली गई। अगर इवनिंग नाइट में कुछ ऐसा सीन हो गया तो फिर भैया ये प्रेडिक्शन रॉन्ग भी हो सकती है। वैसे हमारा नाइट का एपिसोड आएगा, हम जरूर डिस्कशन करेंगे। वैसे मैंने ये सब यस्टरडे को बोला था, बट गाइस काम थोड़ा कल ज्यादा था एंड इसलिए कल शाम वाला एपिसोड नहीं आ पाया। बट गाइस लाइफ टाइम कितना कर सकती है, देखो भाई देखो अगर 5-6 करोड़ तक ये फ्राइडे तक पहुंच जाती है, उसके बाद सैटरडे संडे को ये इजीली सेकंड डिजिट क्रॉस कर लेगी, उसके बाद देखो 5-6 करोड़ हो गया, अब इसका 50+ तो हो ही चुका है इसका नेट 120-130 के गाइस अभी जस्ट के टाइम फिनिश करती हुई नजर आ रही है, यानी एवरेज तक मुश्किल है भाई। देखते हैं गाइस बाकी क्या हो पाता है, अभी टाइम काफ़ी ज़्यादा, अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ रिलीज़ हुए, तो हम अपने प्रेडिक्शन बताने लगे। बाकी गाइस आप सभी का इसमें क्या ओपिनियन है बता देना कमेंट्स में। बाकी जो अभी तक चैनल सब्सक्राइब क्या कर रहे हो यार, जल्दी से कर लो सब्सक्राइब। गाइस मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड, हाँ ओपिनियन बताना नहीं भूलना, तब तक के लिए बाय बाय।